प्रतियोगिता को कौन जीतेगा आरंभ किया जाए। इस प्रतियोगिता से पहले प्रजा के सामने आपको कुछ और बातें भी बतानी होगी महाराज। वो क्या है? आपके बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला अगला कौन होगा? ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? राजा के बाद इस सिंहासन और राज्य की अधिकारी इनकी पुत्री राजकुमारी मैत्रा ही होगी।
अधिक खूबसूरत दृष्टि तो डरिए महाराज, भैरव ही जीता है। भैरव ही जीतेगा, ये आप जानते थे महामंत्री। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं महाराज? राजकुमारी जी भी तो उन्हें ही प्रेम करती है। देखिए तो उन्हें, उनके चेहरे से कितना आनंद झलक रहा है। हम भी ये खुशी देख रहे हैं, पर ये भी देख रहे हैं कि वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। महाराज, काल भैरव उस कबीले से है जिसका हर आदमी अपनी जान इस राज पर न्योछावर कर देता है। कोई भी 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। शेर खान से लड़ते हुए मरना इसके भाग्य में लिखा है। ये जानते हुए भी हमने ये विवाह करवा दिया तो जीवन भर हम अपनी बेटी को विधवा ही देखते रहेंगे। राजगुरु ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। तुमने राजकुमारी की जान बचाई, तुम्हारे होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं। ये मेरा धर्म है, राज्य के लिए तो मैं अपने प्राण भी अर्पण कर सकता हूँ। राज्य के लिए तो तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो, पर क्या राजकुमारी को त्याग नहीं सकते? महाराज, एक महाराज नहीं, मैत्र का पिता तुम्हारे सामने भीख मांगता है। मैं एक सैनिक हूं और वही रहूंगा।